बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बाबर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तमाम नौकरियां। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा वफाकी मुहतसिब ऑप्शन सेक्रेटरीट में 2024 की सरकारी नौकरी की अनाउंसमेंट जो कि कर दी गई है। इसमें पूरे पाकिस्तान से जो कि मर्द और खवातीन जो कि दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात इसमें अगर तालीमी काबिलियत की जाए तो प्राइमरी, मिडिल, मेट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर और मास्टर्स तालीम वाले जो कि सिंपली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर उम्र की इसमें बात की जाए तो 18 साल से जो कि 35 साल तक की उम्र वाले जो कि आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से हर शहर से जो कि आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आज की स्टूडियो में इसकी मुकम्मल तफसीलात जो कि आपके साथ शेयर करूँगा और मज़ीद इसमें अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार बताऊँगा। आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आप लोगों को तमाम चीज़ें क्लियर हों। बाकी आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और हमारी यूट्यूब चैनल तमाम नौकरियों में नए तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वाले आइकन को जरूर ऑन पे कर दें। दोस्तों इसकी मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने सिंपली गूगल पे आना और सर्च बॉक्स में आप लोगों ने इस तरह से टाइप कर लेना है बेस्ट पी के जॉब्स। जैसे ही गूगल पे आप लोग सर्च करेंगे टॉप पे आपको ये वेबसाइट मिलेगी www.bestpkjobs.info। इस वेबसाइट का लिंक जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और या तो आप लोग गूगल पे यहाँ पर सर्च करके भी आ सकते हैं। या तो खाने बताओ उन्होंने पहले लिंक पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग लिंक पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने जो कि ये वेबसाइट इस तरह से जो कि ओपन हो जाएगी। देन आप लोग नीचे यहाँ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइडर्स वाइज का सेक्शन नजर आएगा। देन आप लोग नीचे आ जाना है और यहाँ पर जैसे नीचे आएंगे आप लोगों को जो कि यहाँ पे सेक्शन नजर आएगा गवर्नमेंट जॉब जो कि डिपार्टमेंट वाइज का। यहाँ तक आने के बाद आप लोग नीचे गेन आएंगे और यहाँ पर आपको जो कि गवर्नमेंट जॉब्स का ये बटन मिलेगा। आप लोगों ने सिंपली गवर्नमेंट जॉब्स वाले बटन में यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों ये पेज इस तरह से रीडायरेक्ट हो गया ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जितनी भी रोजगार की बुनियाद पर जो डेली जॉब्स अपडेट्स होती रहती हैं यहाँ पर आपको तमाम जॉब्स भी मिल जाएगी। और ये जो जॉब्स यहाँ पर देख सकते हैं वफाकी मुहतसिब ऑप्शन है सेक्रेटरीट न्यू जॉब 2024 जो कि ऑनलाइन अप्लाई, आप लोगों ने सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पोस्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने इसकी मुकम्मल तफसीलात इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएंगी। तो दोस्तों आगे बढ़ने से प्लीज़ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल तमाम नौकरियों में नए तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वाले आइकन को जरूर ऑल पे कर दें। दोस्तों इससे ये होगा जितनी हमारे चैनल में नई जॉब्स की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की वीडियोज़ जैसे ही आती हैं इंशाल्लाह सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। दोस्तों यहाँ तक आने के बाद आप लोग नीचे स्क्रॉल करना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो कि जॉब्स डिस्क्रिप्शन इस तरह से दी गई आप लोग सिंपली रीड कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर जितनी भी इसमें खाली असामियाँ हैं यहाँ पर तमाम दी गई आप लोग सिंपली ये भी रीड कर सकते हैं। देन उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको जॉब्स कैटेगरी का सेक्शन नजर आएगा। इसमें सबसे पहले आप लोग ए लिमिट देख सकते हैं 18 से 35 साल दी गई और यहाँ पर जो कि तालीमी काबिल प्राइमरी, मिडिल, मेट्रिक और इंटर बैचलर तालीम वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने की आखिरी तारीख यहाँ पर देख सकते हैं 7 सितंबर 2024 जो कि दी गई है। तो उसके साथ दोस्तों आप लोग नीचे आएंगे यहाँ पर आपको इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट इस तरह से मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आपको एक बार रीड करके इसकी मुकम्मल तफसीलात बता देता हूँ इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है और क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है और आप लोगों ने इसमें किस तरह से अप्लाई करना है। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को तमाम चीज़ें क्लियर हों। बाकी अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग बाकी कोई मजीद वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैं तमाम चीज़ें बता दूँगा और कौन कौन सी इसमें वैकेंसी आई हुई है और क्या क्या इसमें क्राइटेरिया रखा गया है और आप लोगों ने इसमें किस तरह से अप्लाई करना है। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर देना और हमारी यूट्यूब चैनल तमाम नौकरियों में नए तो जल्दी से सब्सक्राइब करके आपने बेल नोटिफिकेशन वाले आइकन को जरूर ऑल पे करना है। तो दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियली अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर मैंशन किया गया है जो कि वफाकी ऑप्शन सेक्रेटरीट में शानदार जो कि गवर्नमेंट की वैकेंसी रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर अनाउंस कर दी गई हैं और यहाँ पर इसके नीचे तमाम जितनी वैकेंसी हैं उनकी तमाम तफसीलात इस वक्त दी गई है। सबसे पहले अगर यहाँ पर वैकेंसीज़ देखी जाएँ तो सबसे पहली वैकेंसीज जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 की है। इसमें दोस्तों देख सकते हैं सेकंड क्लास जो कि ग्रेड सी मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ इसमें मजीद जो कि एजुकेशन दी गई MBA MPA LLB वाले अप्लाई इसमें कर सकते हैं। और इसमें अगर एज की बात की जाए तो 22 से 35 साल यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरे पाकिस्तान में जो कि तैनात जहाँ किया जाएगा यहाँ पर तमाम सेंटर्स भी रखे गए हैं और कोटा भी देख सकते हैं यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं ओपन मेरिट पर। पंजाब सिंध खैबर पुख्तूनख्वा का जो अलग कोटा भी यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह सेकंड वैकेंसी अगर देखें तो यहाँ पर आपके सामने जो कि असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी BPS 16 की है। इसमें जो कि दोस्तों ग्रेजुएट तालीम अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन अगर 14 ईयर वाले आपने की है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ आपके पास जो कि मिनिमम स्पीड होनी चाहिए यहाँ पर 100 वर्ड्स पर मिनट जो कि आपकी शॉर्ट हैंड और 50 वर्ड्स पर मिनट जो कि आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए तो आप लोग इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और इसमें अगर एज की बात की जाए तो 20 से 33 साल की उम्र वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं पूरे पाकिस्तान के तमाम सेंटर्स मैंशन किए गए हैं जहाँ पे हेड ऑफिस इस्लामाबाद, रीजनल ऑफिस लाहौर, रीजनल ऑफिस कराची, जहाँ पर आप लोगों को तैनात किए जगह तमाम आगे यहाँ पे सेंटर्स मेंशन किए गए हैं। उसके बाद दोस्तों अगर कोटे की बात की जाए तो ओपन मेरिट पंजाब सिंध और मेरिट आज़ाद कश्मीर का यहाँ तमाम कोटे के दिए गए हैं। पूरे पाकिस्तान से आप लोग ओपन मेरिट पर जो कि अप्लाई इसमें कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं जो कि डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट BPS 16 की है। इसमें देख सकते हैं जो कि सेकंड क्लास ग्रेड सी मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं और अगर एज लिमिट की बात की जाए तो 20 से 35 साल की उम्र वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
और इसी तरह दोस्तों देख सकते हैं इसमें जो कि पोपर मेड पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का अलग कोटा भी दिया गया है। इसी तरह दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर जो कि असिस्टेंट बीपीएस 15 की दी गई है, इसमें बेशक डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं और अगर एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 33 साल की एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं रियल ऑफिस लाहौर कराची यहाँ पर तमाम जितने भी तैनाती सेंटर है जहाँ पर आपने की ड्यूटी स्टेशन हुआ यहाँ पर तमाम मैंशन किए गए हैं। और इसमें ओपन मेरिट जो कि 6 वैकेंसीज हैं और पंजाब के मिसाल पर जो कि वुमेंस के लिए 3 वैकेंसीज अलग दी गई हैं। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी आप लोग सिंपली देख सकते हैं जो कि नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर स्टेनो टाइपस की दी गई है बीपीएस 14 की, और इसमें इंटर तालीम के अप्लाई कर सकते हैं। इंटर पे आपकी जो कि शॉर्ट हैंड स्पीड जो कि 80 मांगी गई और 40 स्पीड जो कि टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, और इसी तरह इसकी एलिमेंट 18 से 30 साल दी गई है और पूरे पाकिस्तान में जो कि तमाम सेंटर्स यहाँ पर मैंशन किए गए हैं जहाँ पर आप लोगों को तैनात किया जाएगा। मजीद दोस्तों देख सकते हैं पूरे पाकिस्तान से जो कि बड़ी तादाद में सीट्स हैं 19 वैकेंसी है पूरे पाकिस्तान से, और पूरे पाकिस्तान के हर शहर सूबा से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर बीपीएस 14 की, इसमें बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसकी भी एलिमेंट 18 से 33 साल दी गई है और इसमें भी पूरे पाकिस्तान से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट वैकेंसी आप लोगों को जो कि अपर डिवीजन क्लर्क जो कि बीपीएस 13 की दी गई है यूडीसी की, इसकी अगर एलिमेंट की बात की जाए तो 18 से 33 साल की उम्र वाले अप्लाई कर सकते हैं और पूरे पाकिस्तान से आप लोग जो कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान की सीट्स यहाँ पर जो कि मैंशन की गई हैं। और इसी तरह चलते हैं पेज नंबर 2 पर इस एडवर्टाइजमेंट के। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 2 में यहाँ पर जो कि नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लास बीपीएस 11 की दी गई है, इसमें जो कि मैट्रिक तालीम में अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम टाइपिंग स्पीड अगर 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और अगर इसकी एलिमेंट की बात की तो 18 से 30 साल की एलिमेंट वाले अप्लाई इसमें कर सकते हैं। और इसी तरह टेलीफोन ऑपरेटर की वैकेंसी है, इसमें इंटर तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें, और इसमें पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट सीट्स दी गई हैं और केपीके के अलग जो कि सीट्स यहाँ पर दी गई हैं। इसी तरह नेक्स्ट वैकेंसी स्टाफ कार ड्राइवर बीपीएस 4 की दी गई है, इसमें प्राइमरी पास तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इसी तरह लिफ्ट ऑपरेटर वैकेंसी, इसमें प्राइमरी पास तालीम वाले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और 2 साल आपके पास तजुर्बा इसमें होना चाहिए। इसी तरह डिस्पैच राइडर बीपीएस 4 की वैकेंसीज हैं, इसमें दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने जो कि प्राइमरी पास तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए तो आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। बाकी इनकी ये लिमिट आगे मैंशन की गई है, 18 से 35 साल की ये लिमिट यहाँ पर दी गई है। इसी तरह दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे नायब कासिद की दी गई, इसमें प्राइमरी पास तालीम में अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे फ्रास्ट बीबीएस 1 की दी गई, इसमें प्राइमरी पास तालीम में अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्री वर्कर की वैकेंसी है, इसमें भी जो कि 18 से 30 साल की उम्र रखी गई है, इसमें भी प्राइमरी पास तालीम में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये तमाम तरह वैकेंसी थी जिसकी मैंने बताई इसमें जो कि आई हुई है। बाकी इसमें आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, अगर इसमें कोई चीज़ समझ आपको ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, बाकी इंशाल्लाह मैं आपको कम्प्लीट गाइड कर दूँगा। बाकी इसके बाद नीचे आप लोग आएंगे यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस आपको तमाम मिल जाएंगी इसमें, तो आप लोग इसको भी सिंपली रीड कर सकते हैं। बाकी अप्लाई करने के लिए दोस्तों इन्होंने देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया गया कि 14 दिन तक आप लोग जो इस एडवर्टाइजमेंट की शाया होने के बाद 14 दिन बाद जो कि ये वैकेंसी जो कि एक्सपायर हो जाएंगी, और 7 सितंबर 2024 तक ये वैकेंसी की लास्ट डेट है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएंगी। और इसका जो कि अप्लाई इसका ऑनलाइन होगा, इसकी मैं तफसीलात आगे चल के आपको बताता हूँ। और रिटर्न टेस्ट के मुतल्लिक यहाँ पर कुछ डिटेल्स वगैरह लिखी गई हैं, आप लोग सिंपली रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें यही मेंशन किए गए जो लोग जो कि पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं और टेस्ट के टेस्ट वगैरह होंगे वो कहाँ कंडक्ट होंगे, जो कि 5 मेजर सिटीज़ हैं जिस तरह कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, इन सिटीज़ में जो कि तमाम टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा कोई जो छोटी सिटीज़ हैं उनमें जो कि टेस्ट वगैरह कंडक्ट नहीं किए जाएंगे। टेस्ट के बाद दोस्तों इंटरव्यू और शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को जो कि उनको मैसेज वगैरह और उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये तमाम तय क्राइटेरिया आप लोग सिंपली जो कि रीड कर सकते हैं। बाकी अप्लाई इसमें आप लोगों ने किस तरह से करना है तो ये आप लोग सेक्शन यहाँ पे रीड कर सकते हैं, इसमें हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन करने का तरीका इतकार तमाम दिया गया है, ये तमाम इंस्ट्रक्शंस आप लोग रीड कर सकते हैं। बाकी इसमें अप्लाई ऑनलाइन के अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। आप लोगों ने अप्लाई ऑनलाइन की वीडियो को क्या करना है, इस वीडियो को लाजमी से आप लोगों ने तमाम लोगों ने लाइक करना है और इस वीडियो को लाजमी से शेयर करना है। और तीसरे नंबर पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कमेंट करने हैं अप्लाई ऑनलाइन की वीडियो के लिए। बाकी इंशाल्लाह आपका भाई इस पर कंप्लीट डिटेल ऑनलाइन अप्लाई करने की वीडियो बना देगा और आप लोगों को तमाम तरीका समझा दूंगा। और बाकी अगर आप लोगों ने खुद इसमें अगर ऑनलाइन अप्लाई करना हो वो मैं आगे चल के जैसे बता देता हूँ, आप लोगों ने खुद कर सके तो कर लीजिएगा, अगर मुझे बोलेंगे तो इंशाल्लाह मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा अप्लाई ऑनलाइन करने की। तो ये मज़ीद तमाम इंस्ट्रक्शन हैं, ये आप लोग सिंपली रीड कर सकते हैं। और अगर फिर भी इनमें कोई चीज़ समझ नहीं आती आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट कर देना, बाकी इंशाल्लाह मैं आपको कम्प्लीट गाइड कर दूँगा। अब दोस्तों अगर आप लोगों ने इसमें अप्लाई ऑनलाइन करना है तो अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है, अगर अप्लाई ऑनलाइन करना है तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, हमारी उसी सेम वेबसाइट पर आ जाना है जिस वेबसाइट का मैंने शुरू में आपको बताया था। जैसे ही दोस्तों आप लोग हमारी इस वेबसाइट पर आएंगे आप सामने जो कि तमाम एडवर्टाइजमेंट इस तरह से मिल रहे हैं आप लोग सिंपली देख सकते हैं। देन आप लोग नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको सेक्शन नज़र आएगा दोस्तों देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन,
इस सेक्शन में आपके सामने तमाम जो कि तफसीलात नज़र आ रही हैं, अप्लाई नाउ का बटन भी दिया गया है। अगर आप लोगों ने हमसे इसमें ऑनलाइन अप्लाई करवाना है तो आपके सामने इंच नीचे जो कि ये जो कि नंबर भी दिया गया है, या आप लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नाउ पे क्लिक करके हमें मैसेज कर सकते हैं और हम लोग आपका इसमें अप्लाई ऑनलाइन कर देंगे। बाकी अगर आप लोगों ने इसमें अप्लाई ऑनलाइन खुद करना है तो आप लोगों ने यहाँ पर आने अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आने के बाद आप लोग सामने जो कि ये बटन नज़र आ रहा होगा जॉब्स का, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है रिज्यूम करके भी देख सकते हैं, तो जॉब्स वाले बटन पे आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये जॉब्स आ जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों ऑटो पे मेरे पास ये पेज स्क्रॉल हो गया और यहाँ पर ये जॉब्स नज़र आ रही हैं वफाकी मुहतसिब सेक्रेट, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जितनी भी तमाम जॉब्स हैं आपके सामने नज़र आ रही हैं, इसके आगे इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की भी लिखी है और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए भी आगे लिखा गया। जिस भी वैकेंसी के आपने अप्लाई करना है उसके आगे यहाँ पर क्लिक किया लिखा है, जिसके भी क्लिक करना है आप लोगों ने सिंपली क्लिक करना है और आपके सामने जो कि इसका लॉगिन अकाउंट के लिए खुल जाएगा। थोड़ी सी आप लोगों ने अगेन यहाँ पर वेट कर लेना है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। जैसे थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों आपके सामने अगेन ये वेबसाइट जो कि ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपके सामने इसका लॉगिन अकाउंट मांग रहा है। तो अगर आपका इससे पहले etc.hec.gov.pk का अकाउंट बना है तो आप लोगों ने सिंपली लॉगिन कर लेना है। अगर नहीं बना तो आप लोगों नीचे साइनअप पर क्लिक करना है। साइनअप पर क्लिक करके आप लोगों ने तमाम डिटेल्स देनी है, उसके बाद आप लोगों ने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अपना फॉर्म वगैरह तमाम फिल करना है, चालान वगैरह जमा कराना है और सिंपली इसमें अप्लाई ऑनलाइन कर देना है। सबको मैंने बता दिया, अगर आप लोग चाहते हैं मैं इस पर अप्लाई ऑनलाइन की वीडियो बनाऊँ, आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी से लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा, उस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आपने ऑल पे करना है। बाकी इस वीडियो को लाजमी से शेयर करना है और नीचे कमेंट करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इंशाल्लाह मैं इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने की वीडियो भी बना दूंगा। तो बाकी दोस्तों ये तमाम तरह वीडियोज़ की इंस्ट्रक्शन ही, उम्मीद करता हूँ तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो नीचे कमेंट करना है, बाकी इंशाल्लाह मैं कम्प्लीट गाइड कर दूंगा। इस वीडियो को लाजमी से आप लोगों ने लाइक करना है। बाकी ऐसी नई जॉब्स की अपडेट्स हासिल करने के लिए आप लोग हमारे चैनल जरा की बात विजिट कर सकते हैं। बाकी फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट जॉब्स की वीडियो में, जब तक के लिए है दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।